बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए मुरारीनाथ भगवान की जय, बोलिए पूज्य संत श्री भवानी नंदन यति जी महाराज की जय। थोड़ा जयकारा आप लोग जोर से लगाइए, भाव से लगाइए। बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए इस मकर संक्रांति के पावन पवित्र वेला में हम सभी इस मुरारीनाथ धाम में इस हृदय को आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि संसार में हर चीज मिल सकता है, परिश्रम करने पर, कर्म करने पर बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन दुर्लभ क्या है? तो कहा गया है तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर सुख मिले सब संपत्ति दुर्लभ संत समागम भाई, सुंदर सुख मिले सब संपत्ति दुर्लभ संत समागम भाई। संतों का समागम दुर्लभ है, संसार में सब कुछ मिल सकता है। गोस्वामी जी भी दोहावली में कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दो चीज दुर्लभ है संसार में, संत समागम और हरि कथा, भगवान की कथा, शिव की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, देवी की कथा, गणेश की कथा, कोई भी प्रभु की कथा, भगवान की कथा, ये दुर्लभ है। और संत का समागम, सुत पुत्र जो है हमारे जन्म के प्रारब्ध के अनुसार या हमारे पत्नी के प्रारब्ध के अनुसार या पत्नी को उसके पति के फल के स्वरूप, प्रारब्ध के फल स्वरूप पुत्र मिल सकता है। हमारे कुंडली में नहीं है तो पति के फल पत्नी को मिल जाएगा, पति को पत्नी का फल मिल जाएगा। सुत दारा अच्छे अच्छे घर की पुत्रियां कभी कभी देखने को मिला है कि नहीं चाहिए जिससे उससे भी शादी हो जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार ये हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पैसा का संपत्ति का आगमन कभी कभी गलत तरीके से भी मिल जाता है, भले उसका परिणाम खराब है लेकिन प्राप्त हो जाता है, लेकिन गलत व्यक्ति को कभी सत्संग और संत का दर्शन नहीं मिलता है। जन्मों जन्मांतर कल्पों कल्पांतर जुगो जुगांतर का पुण्य उदय होता है तब संत का दर्शन होता है, भगवान की कथा मिलती है। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, पुण्य पुंज बहुत सारे पुण्य एक जगह एकत्रित हो तो राह चलते नहीं मिलेगा।
पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। इसलिए आइए सत्संग सुने, लेकिन उससे पहले दो बार हरि नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। आप लोग ध्यान से सुनिए और थोड़ा भजन गाए।